हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को जोहार। डिफेंस लाइन में झारखंड में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, खासकर झारखंड पुलिस का, उन सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है। 15 तारीख के डेट में जो 15 दिसंबर को आंदोलन हुआ था, उसमें JSSC ऑफिस से ये बात निकल कर आई कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी एक हफ्ते के अंदर आने वाला है। और प्रीवियस कोई भी वीडियो मेरा उठा के लिए देख लीजिए, अपकमिंग वैकेंसी झारखंड पुलिस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि दिसंबर लास्ट जो है वो वैकेंसी आने वाली है, और मेरी ये बातें भी सच होने वाली है। लगभग लगभग वैकेंसी वहाँ पे तय है। कुछ सीटों का जो मामला है अभी भी लटका हुआ है। मैं साफ तौर पर आपको बताऊँ कि सीटों की संख्या कुछ बढ़कर आने वाली है, और जिस तरह से 4898 सीटों की बात चल रही थी, बहुत सारे न्यूज़ कवर, प्रिंट मीडिया ने कवर किया था, इस सीटों को कुछ बढ़ाया गया है और भी कुछ सीटें बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। और सीट फाइनलाइज होते ही वैकेंसीज जो है लाइव कर दिया जाएगा, मतलब jssc.nic.in पर जाके आप देख सकेंगे और फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। इतना तो क्लियर हो गया है कि वैकेंसी आने वाली है, और सबसे पहले जो है वो रनिंग ही लिया जाएगा। और रनिंग कितना है, 10 किलोमीटर मेल के लिए है, टाइम इसमें आपको मिलेंगे 60 मिनट, और फीमेल के लिए जो है 5 किलोमीटर है, और टाइम जो है 40 मिनट्स यहाँ पे दिया गया है। पहले 30 मिनट्स दिया जाता था, लेकिन इसको जो है खारिज करते हुए अब 40 मिनट जो है वो टाइम फीमेल को दिया जाता है 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसीज अब आने वाली है और आपको टाइम भी बहुत कम मिलेगा, इसलिए आप लोग रनिंग में लग जाएंगे। और मेल कैंडिडेट 10 किलोमीटर, फीमेल 5 किलोमीटर, इस हिसाब से आप अभी से तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि वैकेंसीज आएगी, फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद जो है 1 से 1.5 महीना में आपके रनिंग भी लिए जाएंगे। क्योंकि एजेंसी जो है एक्साइज वाला, ये क्लियर हो गया है कि कौन से रनिंग लेंगे, गृह विभाग ने इसको क्लियर कर दिया है, और एक्साइज के रनिंग पहले होंगे, और एक्साइज के रनिंग के जस्ट बाद ही झारखंड पुलिस का रनिंग के लिए भी बुला लिया जाएगा। तो उस स्थिति में जो है आपको टाइम बहुत कम मिलने वाले हैं, तो बेहतर तैयारी करें और अभी से जो है फील्ड जाना शुरू कर दें, जहां आप फिजिकल की तैयारी करते हों। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, सीटों की संख्या अभी कंफर्म नहीं है। ऐसे आयोग जो है वो 6000 प्लस वैकेंसी का दावा किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वैकेंसी और बढ़ सकती है। तो देखिए, और वैकेंसी आते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस चैनल पर अगर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।